कोई भी हिंदुत्व को आतंकवाद नहीं कह पाएगा, वो उनको हिंदुओं की शरण में आना ही पड़ेगा, भले ही वो ढोंग कर रहे हो, लेकिन उनको आना पड़ा, ये उनकी पराजय है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व खो बैठे। ये उनका कार्यक्रम है, यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन इस यात्रा से उन्हें बहुत लाभ हो जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा, जो उनकी अपेक्षा है, जो कल्पना है, वो संभव नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष जाग गया है। भारतवर्ष ने मोदी का विकास करने वाला कार्य देख लिया है, भारत ने ये तस्वीर देख ली है, और अब किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। अभी तक हिंदुओं पे अन्याय होता आया कांग्रेस के समय पे, अब हिंदुओं के साथ भी अन्याय नहीं होगा। कोई भी भगवा को आतंकवाद, कोई भी हिंदुत्व को आतंकवाद नहीं कह पाएगा, वो उनको हिंदुओं की शरण में आना ही पड़ेगा, भले ही वो ढोंग कर रहे हो, लेकिन उनको आना पड़ा, ये उनकी पराजय है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। कमलनाथ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।